अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कतर खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं सुनाने वाला हूं, जो कि आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। यदि आप लोग कतर में रहते हो, यदि आप लोग अपने फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हो, रेसिडेंसी या फिर वीज़ा देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या अपडेट होगा, क्या रेगुलेशन होगा, क्या रूल होगा, ये सारी चीज़ दोस्तों वहाँ पर जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, कंडीशन फॉर ब्रिंगिंग फैमिली ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंसी और विजिट। यदि आप अब कतर में अपने फैमिली मेंबर को रेसिडेंसी या फिर विजिट वीज़ा के तौर पे आप लोग बुलाना चाहते हो, तो उसे अप्लाई करने के लिए यानी एप्लीकेशन डालने के लिए आपको मैट्रास टू एप्लीकेशन का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी मैट्रास टू एप्लीकेशन में ही आप अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गया पहला, दोस्तों ये नियम हो गया। कंडीशन दोस्तों रखा गया है, यानी क्या कंडीशन होगा फैमिली वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा को लेने के लिए, रेसिडेंसी लेने के लिए। तो जनरल कंडीशन दोस्तों इस प्रकार का है, यदि आपका सन यानी जो आपका जो बेटा है वो मोर देन 25 ईयर एगो का होना चाहिए, डॉटर यानी बेटी जो है अनमैरिड होनी चाहिए, चिल्ड्रेन कंपलसरी एज ऑफ 16 to 18 यानी दोस्तों आपका बच्चा जो है 6 से 18 साल का होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, एक्सपेक्ट बी होस्टेड शुड बी हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जो भी आप लोग हो, यदि आप लोग अपने फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हो तो आपका भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और जिनको आप बुला रहे हैं उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि साथियों आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप हो, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, तो आपकी मिनिमम सैलरी कम से कम 10,000 कतर रियाल आपको होनी चाहिए, तभी आप बुला सकते हो। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय प्रोफेशन शुड बी टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड, यानी दोस्तों आपका जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, या तो आप टेक्निकल सेक्टर में काम करते हो या स्पेशलाइज्ड में हो, तभी आप बुला सकते हो। लेबर सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं बुला सकते हो। आपकी दोस्तों मिनिमम सैलरी कम से कम 10,000 कतर रियाल से लेकर 6,000 कतर रियाल तक आपकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा नियम दोस्तों मैट्रास टू एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशन और रखा गया है, कंडीशन फॉर ब्रिंगिंग फैमिली फॉर विजिट, यानी दोस्तों अप्लाइंग रेसिडेंसी शुड हैव फैमिली एकोमेंडेशन ड्यूरी अटेंडिंग द रेलेवेंट अथॉरिटी, यानी दोस्तों आपके फैमिली मेंबर जिसको बुला रहे हो, एकोमेंडेशन का आपके पास वहाँ पे जरिया होना चाहिए। आपकी सैलरी अप्लाइंग रेसिडेंसी शुड बी पॉसिबल मिनिमम मंथली सैलरी 5,000, यानी आपकी सैलरी कम से कम 5,000 कतर रियाल आपकी होनी चाहिए मिनिमम। प्रोफेशन अप्लाइंग द रेसिडेंट शुड बी इन द लैंड लेबर कैटेगरी, यानी आप लेबर कैटेगरी में काम नहीं करते हो तभी आप बुला सकते हो। लेबर कैटेगरी में आप काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पे अपने फैमिली मेंबर को नहीं बुला सकते हो। वहीं पे विजिटर मस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों जो भी विजिटर होंगे उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना एकदम अनिवार्य होगा, बिना हेल्थ इंश्योरेंस का आप नहीं बुला सकते हो। विजिटर मस्ट बी रिलेटिव्स ऑफ अप्लाइंग रेसिडेंस विद द अलॉट डिग्री ऑफ रिलेशन, यानी आप जिसको बुला रहे हो उसका आपसे क्या रिलेशन है, इसकी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी आप बुला सकते हो। और जो भी सारा चीज एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, तो ये मैट्रास टू एप्लीकेशन में जाके या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ये ले सकते हो। तो साथियों, छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, टेक केयर।